welcome to directorate school education jammu radio classes, a digital initiative taken by directorate of school education jammu. myself, sachin goel, teacher, posted at gourmet girls higher secondary school rihadi jammu. my dear students, how are you all? hope you all are fine and studying properly at home. our today's topic is friction. पार्ट वन इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन एंड वॉट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन वेदर फ्रिक्शन इन नेसेसरी ईविल सो प्यारे बच्चों आज हम ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम हमारा है फ्रिक्शन तो प्यारे बच्चों आप सबको पता ही होगा कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं अगर नहीं मालूम तो आज हम अपने इस टॉपिक में आपके साथ जो है फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्यारे बच्चों वेन टू फोर्सेस रब अगेंस्ट ईच अदर दे प्रोड्यूस ए फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन जब कोई भी दो सर्फिस बेटा रब होती हैं एक दूसरे अगेंस्ट तो हम कहते हैं एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन कहते हैं और फ्रिक्शन हम कहते हैं बेटा ये वो फोर्स है जो अपोज करती है मोशन को आपके साथ एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आ, हम क्या करते हैं कि ब्रेक अप्लाई करते हैं ठीक है ताकि हम जो है जो भी गाड़ी हमारी चल रही है हम उसको स्लो कर सकें उसकी स्पीड को स्लो कर सकें और फ्रिक्शन से क्या होगा कि हीट पैदा होगी और एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी और ये जो फोर्स जो यूज़ की जाती है स्लो करने के लिए या स्टॉप करने के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट्स को और ऐसी फोर्सेस जो अपोज करती हैं मोशन को उनको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं आपने हमेशा देखा होगा कि ड्राइवर जो है कार का या फिर एक ट्रक का स्लो करता है व्हीकल को जैसे कोई ट्रैफिक का सिग्नल उसको नज़र आता है तो अपनी गाड़ी को स्पीड को धीरे धीरे स्लो कर देता है और आपने भी किया होगा जब आप अपनी बाइसाइकिल चलाते हो तो जब आप उसको रोकना चाहते हो तो धीरे धीरे अप्लाई करते हो ब्रेक्स और वो बाइसाइकिल आपका रुक जाता है ठीक है कभी आपने ये देखा भी है कि व्हीकल जो है क्यों स्लो डाउन हो जाती है जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो सारी खाली व्हीकल्स ही नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो मूव करता है सरफेस के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो स्लो डाउन हो जाता है ठीक है और फाइनली जो है वो धीरे धीरे रुक जाता है ऐसा क्यों होता है कभी आपने इस बात को सोचा है कभी आपने बात को आ, समझने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है ठीक है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सी एक क्रिकेट ग्राउंड में आप बॉल को हिट करते हो और वो बॉल जो है धीरे धीरे ग्राउंड के बाद जो है अपने आप क्या हो जाती है कुछ देर के बाद रुक जाती है ठीक है या फिर आप जो है केले के छिलके के ऊपर अगर आपका पाऊँव पड़ गया तो उसकी वजह से भी क्या होता है बेटा कि आप जो है स्लिप हो जाओगे आपको गिर जाओगे नीचे की तरफ ठीक है तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जहां पर हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको बता सकते हैं तो इसीलिए कहते हैं द फोर्स विच ऑलवेज अपोजिज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी अवर द अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है बच्चों तो प्यारे बच्चों हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज uh, होती हैं फ्रिक्शन की पहला फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेज मोशन कि फ्रिक्शन जो है एक फोर्स है जो हमेशा अपोज करती है मोशन को दैट कहने का मतलब है कि वो स्लो डाउन करेगी या स्टॉप करेगी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को और सेकेंडली फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट कि फ्रिक्शन से हमेशा हीट पैदा होती है आप के पास बिल्कुल सिंपल सी एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ आप अपने हाथों को रब करो और जब आप अपने हाथों को रब करोगे तो क्या होगा हीट पैदा होगी ठीक है और हीट पैदा होने से क्या होगा आपको वॉम्थ महसूस होगा तो फ्रिक्शन हमेशा जो है प्रोड्यूस क्या करती है हीट प्रोड्यूस करती है ठीक है एक और एक्टिविटी हम कहते हैं कि आपके पास मार्बल्स ले लो दो मार्बल्स मीन्स कंचे जो हम खेलते हैं ना मार्बल्स अब वो दो मार्बल्स ले लो ठीक है अब एक मार्बल को आप फ्लोर के ऊपर ऐसे फेंको और दूसरे को बेडशीट के ऊपर आप अपने मार्बल को फेंको अब आप क्या देख पाओगे बेटा कि दोनों मार्बल जो हैं दोनों पे आपने इक्वल फोर्स लगाई है ठीक है लेकिन क्या वो एक ही टाइम पे रुक जाएंगे ठीक है किसको ज़्यादा टाइम लगेगा और डिस्टेंस लगेगा मूव करने के लिए तो अगर हम देखें इस एक्टिविटी के जरिए तो हम ये नोटिस करेंगे मार्बल जो हमने रोल ऑन किया है बेडशीट के ऊपर वो सबसे पहले रुक जाएगा लेकिन जो मार्बल जो है फ्लोर के ऊपर हमने किया है वो हम कहते हैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्यों क्योंकि जो सरफेस है ना फ्लोर की वो स्मूथ है जबकि बेडशीट यूजुअली जो है उसकी सरफेस कैसी है रफ़ है तो यहां से इस एक्टिविटी से मैं आपको बच्चे ये कह सकता हूं कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा डिपेंड करती है स्मूथनेस और रफनेस की वजह से सरफेस के ठीक है जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है मूव करता है रफ सरफेस अगर होगी तो उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी है ना बेटो अब बच्चे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कोई भी जो बॉडी है जिसको हम मूव ऑन करवा रहे हैं चाहे वो जितनी मर्जी परफेक्टली स्मूथ सरफेस है ठीक है वो क्यों नहीं मूव करती रहती स्मूथ सरफेस पे भी मूव क्यों नहीं करती क्यों रुक जाती है वो इसीलिए कि जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं ना स्मूथ दिखती हैं वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। बिल्कुल स्मूथ नहीं होती हैं तो एक सरफेस जो है हम कहते हैं हमें स्मूथ लगती है अपनी नेकडाई से एक्चुअली में वो रफ है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हम देखेंगे उसमें बहुत सारी जो है वो रफनेस होगी ठीक है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है हम कहते हैं कि उसकी कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट कम्स इन टू एक्शन ओनली वेन द मूविंग बॉडी मूव्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी इसका कहने का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है कम्स इन टू एक्शन ओनली वैन द मूविंग बॉडी मूव्स इन कॉन्टैक्ट विद अनादर बॉडी नंबर टू हम ये कह सकते हैं इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी ये हमेशा अपोज करती है मोशन ऑफ बॉडी को और उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करती है और एक और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रिक्शनल फोर्स का ये कि इट कॉज इज द वियर एंड टेयर ऑफ द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टू बॉडीज जब एक दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में आती है तो उसमें वेयर एंड टेयर जो है वो बॉडी में होता रहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपके साथ एक और एक्टिविटी आपको बताते हैं बच्चों आपके पास टेबल है टेबल टॉप है और टेबल के ऊपर आप एक कोई भी नोटबुक रख लो या बुक रख लो तो जेंटली पुश करो बुक को टेबल के ऊपर ठीक है जैसे ही आप पुश करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो रुक जाएगी थोड़ी देर के बाद कुछ डिस्टेंस के बाद जो है वो रुक जाएगी ये एक्टिविटी रिपीट करो आप दूसरी डायरेक्शन से फिर से वही सेम केस होगा तो ये जो फोर्स है ना इसको हम क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं यानी कि जो फ्रिक्शन है ये हमेशा अपोज करती है रिलेटिव मोशन को दो सर्फेसिस के बीच में जैसे बुक और टेबल के बीच में हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि आपने इस पूरी एक्टिविटी में क्या देखा कि जब आपने अप्लाई की फोर्स लेफ्ट में अलोंग द लेफ्ट तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी राइट right में इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन यानी कि अगर हम जो है फ्रिक्शन uh, फोर्स जो है लगाते हैं लेफ्ट पे तो फ्रिक्शन एक्ट करती है राइट right पे एंड वर्सा तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा दोनों केसेस में जो फोर्स है वो अपोज करती है मोशन ऑफ द बुक को और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स तो प्यारे बच्चों अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन है बिटवीन द टू सरफेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है बेटा पहला द नेचर ऑफ द टू सर्फेसिज दैट इज स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सर्फेसेज और नंबर टू द फोर्स विद विच टू सर्फेसिज आर प्रेस्ड टूगैदर पहला हम ये कहते हैं कि जो नेचर है दो सर्फेस का उसकी स्मूथनेस या फिर रफनेस की वजह से और दूसरा फोर्स जिसकी वजह से दो सर्फेसिस को हम प्रेस करते हैं अब सबसे पहले हम ये कहते हैं डिपेंडेंस जो है फ्रिक्शन का ऑन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेज तो फ्रिक्शन हम कहते हैं डिपेंड करता है स्मूथनेस और रफनेस की वजह से दो सर्फेसिस की जो कि हम कहते हैं कि कॉन्टेक्ट में होते हैं एक दूसरे के आ, हम कहते हैं कि बच्चों वेन द टू सर्फेसिज आर इन कॉन्टेक्ट आर स्मूथ जब कोई भी दो सर्फेस जो है आपस में कॉन्टेक्ट में हैं और स्मूथ हैं तो जो फ्रिक्शन होगी उनके बीच में द फ्रिक्शन बिटवीन दैम विल बी स्मॉल बहुत कम होगी क्यों बिकॉज जो इंटरलॉकिंग होती है स्मूथ uh, सर्फेसिज की वो कम होती है जिसकी वजह से रफनेस जो है दो सर्फेसिज की इन कॉन्टेक्ट इंक्रीजेस और फ्रिक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है सेकेंडली हम कहते हैं कि वेन द टू सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट आर वेरी रफ जब दो सर्फेसिज आपस में कॉन्टेक्ट में होंगी और बहुत रफ होंगी तो फ्रिक्शन बिटवीन दैम विल बी वेरी लार्ज फ्रिक्शन उनके बीच में बहुत ज्यादा होगी क्यों क्योंकि इंटरलॉकिंग जो होती है रफ सर्फेसिस की वो बहुत ज्यादा होती है इसको समझाने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं ठीक है एक एक्टिविटी के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आप एक काम करें बेटा एक ब्रिक जिसे ईट कहते हैं ठीक है उसको फ्लोर पर रखते हैं ठीक है जमीन पर रखते हैं और एक द, किसी स्ट्रिंग के साथ उसको बांध दें ठीक है अराउंड द ब्रिक और कनेक्ट करें उसको हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो है उसको क्या करें हुक कर लें आप पूछेंगे स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है तो स्प्रिंग बैलेंस हम कहते हैं बेटा ये एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए फोर्स जो एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बिल्कुल एक कॉयल की तरह होता है ठीक है एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है इसके बीच में जो स्ट्रेच होता है और एक हुक जैसी लगी होती है जिससे हम किसी भी वेट को जो है मेजर कर सकते हैं जब आप उसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ हुक कर लेंगे तो आप क्या करिए अप्लाई करिए एक पुलिंग फोर्स टू द ब्रिक ब्रिक को जो है एक फोर्स लगाइए बाय पुलिंग द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बाय हैंड हाथ के साथ उसको जो है खींचिए तब तक जब तक वो जो है ब्रिक जो है फ्लोर पे स्लाइड करना स्टार्ट ना कर करते अब उसकी रीडिंग नोट करो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर और ये रीडिंग जो है आ, स्प्रिंग बैलेंस की ये आपको बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ फ्लोर एंड द सर्फेस ऑफ ब्रिक कि कितनी फोर्स जो है कितनी ताकत लगाई आपने यह स्प्रिंग बैलेंस की मदद से जो आप नोट करेंगे फोर्स कि फ्लोर पे और ब्रिक पे सरफेस पे कितनी फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो रही है फिर इसके बाद आप एक काम करिए अब रैप कर लो ठीक है पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक ब्रिक के आगे पीछे एक पॉलीथीन को लपेट लो ठीक है और रिपीट करो सेम एक्टिविटी दोबारा से हम क्या देखते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है ठीक है रीडिंग व्हेन द पॉलीथीन रैप्ड ब्रिक जस्ट बिगिन टू स्लाइड ऑन द फ्लोर और तब जब वो बिल्कुल स्लाइड करना शुरू कर देगा ब्रिक और ये रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस की ये कम है पहले वाली रीडिंग से जो हमने पहले ली थी ठीक है इससे हमें क्या इंडिकेट होता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज़ डिक्रीज कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो गई यानी कि जब हमने पॉलिथीन शीट के साथ रैप किया ठीक है उससे क्या हुआ कि जो सरफेस है ब्रिक की वो स्मूथ हो गई जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है विद फ्लोर वो भी डिक्रीज हो गई ठीक है ये बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी आपके साथ थी फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं अब एक काम करिए ना रैप करो जूट क्लॉथ ठीक है उस ब्रिक के आगे पीछे जूट का क्लॉथ जो है ना वो रैप कर दो पहले पॉलिथिन किया आपने अब आप जूट का रैप कर लो और रिपीट करो सेम एक्टिविटी दोबारा से एक बारी और नोट करो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जब जूट जो है रैप किया है ब्रिक के साथ जस्ट बिगिन टू स्लाइड ऑन द फ्लोर जैसे ही वो स्लाइड हुआ तो रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस की वो ज्यादा होगी देन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडिकेट करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुई इंक्रीज यानी कि रैपिंग ऑफ जूट क्लॉथ जो जूट क्लॉथ है जिसको हमने रैप किया ठीक है मेक्स द सर्फेस ऑफ ब्रिक मोर रफ उससे सर्फेस उसकी और ज्यादा क्या हो गई रफ हो गई पॉलीथीन लगाया तो स्मूथ हो गई जूट से किया तो रफ हो गई जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है विद द फ्लोर इंक्रीज वो फ्लोर पे जो उसकी फ्रिक्शन थी वो भी इंक्रीज कर गई ठीक है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से जो है फ्रिक्शन जो है आ, वो इफेक्ट करती है जो, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को अब एक और हमारे पास आता है हम कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विद विच टू सर्फेसिज आर प्रेस्ड टूगैदर डिपेंडेंस है फ्रिक्शन की ठीक है ऑन द फोर्स जिसकी वजह से दो जो है प्रेस करते हैं एक दूसरे को कहते हैं कि फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेग्युलरिटीज ऑफ द टू सर्फिस इरेग्युलरिटीज जो है इंटरलॉकिंग होती है जैसे हम एक रेगमार्क के पेपर जो रेगमार्क होता है लकड़ी को स्मूथ करने के लिए तो वह जब हम इसके ऊपर बार बार करते हैं तो इंटरलॉकिंग होती है इरेगुलैरिटीज की और एक टाइम पर वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है तो वेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एवर द अनदर ऑब्जेक्ट ठीक है तो इफ द टू सर्फेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर प्रेस्ड अगर दो सर्फेसिस ऑब्जेक्ट को प्रेस किया जाए टूगेदर हार्डर बाय ग्रेट फोर्स तो फ्रिक्शन विल इंक्रीज फ्रिक्शन क्या करेगी इंक्रीज करेगी ना कि डिक्रीज करेगी सपोज इसको भी समझाने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ सम, बताते हैं सपोज वी हैव टू बॉक्सेस ऑफ सेम साइज आपके पास दो बॉक्सेस हैं सेम साइज के बट वन बॉक्स इज लाइट एंड द अदर बॉक्स हैवी एक भारी है और एक क्या है हल्का है इफ वी पुश बो द बॉक्स ऑन द फ्लोर वन बाय वन अगर हम पुश करते हैं बॉक्सेस को फ्लोर के ऊपर एक करके एक करके एक बा, आ, कर करके हम उसको जो है फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं वी विल ऑलवेज फाइंड दैट वी हैव टू अप्लाई ओनली ए स्मॉल फोर्स टू मेक द लाइटर बॉक्स मूव ऑन द फ्लोर यानी कि हम हमेशा क्या कर देखते हैं कि हमें जो है कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है हल्के बॉक्स के ऊपर ठीक है फ्लोर पे लेकिन ज्यादा फोर्स लगेगी अगर वो बॉक्स क्या होगा हैवी होगा ठीक है जिसको फ्लोर के ऊपर हमने मूव करवाना है तो इससे हमें बच्चे पता चलता है दिस शोज दैट देर इज लेस फ्रिक्शन देर इज लेस फ्रिक्शन बिटवीन द लाइट बॉक्स एंड द फ्लोर बट मच मोर फ्रिक्शन बिटवीन द हैवी बॉक्स एंड द फ्लोर ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जो वेट है बॉक्स का इज ऑल्सो ए फोर्स वेट बॉक्स का वो भी एक फोर्स है विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करती है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए हम कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर वेट द लाइट बॉक्स प्रेसिज ऑन द फ्लोर विद लेस फोर्स एंड हैंस द फ्रिक्शन बिटवीन लाइटर बॉक्स एंड फ्लोर इज लेस वेरी गुड ठीक है weight, तो यही जो कम फोर्स लगाते हैं यही लेसर फोर्स जो है फ्रिक्शन की इट ऑलवेज अलाउज द लाइटर बॉक्स टू बी मूव्ड ईजीली बाय अप्प्लाइंग स्मॉलर पुश तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको यहां से बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे जो है कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को सो so, प्यारे बच्चों अब हम एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक है फ्रिक्शन इज अननेसेसरी एवल अब जैसे कि हमने बताया कि फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में और कई ऐसे केसेस हैं फ्रिक्शन जो है हम कहते हैं यूजफुल है और इसीलिए बहुत ज़रूरी भी है और कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन जो है हमारे लिए हार्मफुल भी है और इसीलिए हम उसको ईवल भी कहते हैं अब कैसे हम बताएंगे आपको कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए नेसेसरी भी है और फ्रिक्शन जो है ईवल भी है जैसे हम कहते हैं फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी कैसे बोला नंबर वन हम कहते हैं फॉर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड जब आप ज़मीन पर चलना है आपने वैन यू रियली वॉन्ट टू वॉक वी पुश द ग्राउंड विद अवर फ़ीट हम पुश करते हैं ग्राउंड को हमारे फीट के साथ तो फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है फॉरवर्ड रिएक्शन और हमें आगे की तरफ मूव करने में मदद करती है और हम उसको आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने पाँव के साथ इफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड अवर फीट वॉज एब्सेंट अगर फ्रिक्शन जो है ग्राउंड और हमारे फीट में नहीं है तो हमें चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इट वुड बी इम्पॉसिबल ठीक है to walk that is why on an oily road when we try to walk we slip इसीलिए हम कहते हैं कि अगर oily road है तो अगर हम चलना चाहें तो हम स्लिप कर जाएंगे जैसे बनाना के छिलके पे अगर हमारा पाँव पड़ जाए तो हम गिर जाएंगे अगर सर्फ का पानी ज़मीन पे पड़ा हुआ है हम गिर जाएंगे ठीक है तो फॉर रोलिंग हम कहते हैं कि इफ़ देर वर नो फ्रिक्शन अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो तो जो व्हील्स है ना कार के या साइकिल के वो एक ही टाइम पे जो है वो स्पिन करते रहेंगे ठीक है गोल गोल घूमते रहेंगे और वो आगे की तरफ मूव ही नहीं करेंगे अगर हम कहते हैं कि रोड स्लिपरी है फ्रिक्शन बिल्कुल कम है तो जो व्हील्स होंगे वो लूज ग्रिप कर देंगे और जो है व्हीकल जो है वो हम कहते हैं कि वो ओवर टर्न भी कर सकता है मीन्स कि स्किड कर सकता है गिर सकता है तो अवॉइड करने के लिए स्लिपिंग और स्कीडिंग तो टाइल्स जो हैं इसीलिए हम कहते हैं कि कॉरोगेटेड बनाई जाती हैं मीन्स की रफ़ बनाई जाती हैं टाइल्स या रोड जो है वो बिल्कुल रफ बनाई जाती हैं ठीक है बच्चों फॉर ब्रेकिंग ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए हम कहते हैं कि जो ब्रेक्स हैं ना व्हीकल्स की चाहे वो कार है मोटरसाइकिल है बस है हम कहते हैं वो बिना फ्रिक्शन के तो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि फ्रिक्शन जो है ब्रेक के बीच में ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम्स जो हैं वो व्हीकल को जो है जब हम अप्लाई करते हैं ब्रेक्स तो वो उसको ब्रेक्स को अप्लाई करने से व्हीकल जो है वो स्लो हो जाती है और फ्रिक्शन जो है हम कहते हैं बहुत नेसेसरी है राइटिंग ऑन ए पेपर अगर आपने किसी कागज़ पे लिखना है कुछ लिखना है तो उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लिख नहीं पाएंगे चौक नहीं पकड़ पाएंगे माचिस की डिब्बी को नहीं जला पाओगे आप ठीक है आप सुई धागा नहीं यूज़ कर सकते तो फ्रिक्शन जो है नेसेसरी है नेल्स और स्क्रू को होल्ड करने के लिए उसको बंद करने के लिए वरना हम उसके बिना जो है उसकी नहीं यूज़ कर सकते स्क्रू नहीं कर सकते हैं खेलने के लिए अगर आपने खेलना है ठीक है फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है प्लेइंग ऑन द ग्राउंड तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों की फ्रिक्शन जो है बहुत ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में इसके साथ साथ फ्रिक्शन हम कहते हैं ज़रूरी तो है लेकिन इसके साथ साथ जो है फ्रिक्शन एक ईवल भी है हम कहते हैं फ्रिक्शन हार्मफुल है और जो अनवांटेड है किसकी वजह से कुछ कारण है उसके लिए पहला हम कहते हैं कि फ्रिक्शन जो है अपोज करती है रिलेटिव मोशन को बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ठीक है आप जैसे मान लो वेयर एंड मशीन्स लगातार चलती रहती हैं आपका फैन चलता है तो उसमें वेयर एंड टेयर होती है तो अगर कॉन्टीन्यूसली वो चलता रहे तो उसमें वेयर एंड टेयर होगी हीट पैदा हो जाएगी ठीक है और एनर्जी हम कहते हैं जो भी कंज्यूम होती है ओवरकम फ्रिक्शन को करने के लिए वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे टेम्परेचर जो है मशीन का राइज होगा और मशीन जो है उसमें डैमेज हो सकता है जैसे हम कहते हैं कि एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगी ग्राइंडिंग मशीन में तो जो इंसुलेशन होती है कॉयलिंग की मोटर जल सकती है बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे तो फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग सर्फिस इवन की जो फ्रिक्शन है हम कहते हैं कि वो वेयर आउट करती है रबिंग सर्विसिस को इसीलिए मूविंग पार्ट्स जो हैं ओल्ड मशीन्स के उनको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों आपने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से जो है फ्रिक्शन आपके लिए ज़रूरी है और फ्रिक्शन जो है एक ईवल की तरह भी काम करती है तो प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक ज़रूर क्लियर हुआ होगा ठीक है मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप ज़रूर उनको नोट करिए और फिर नेक्स्ट uh, क्लास में हम उनको भी डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए डिफाइन फ्रिक्शन डिफाइन फ्रिक्शन नंबर टू लिखिए बेटा कैन यू वॉक इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन कैन यू वॉक इफ देयर इज नो फ्रिक्शन गिव रीज़न फॉर योर आंसर गिव रीज़न फॉर योर आंसर नंबर थ्री लिखिए नेम थ्री यूजफुल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन नेम थ्री यूजफुल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन फुल स्टॉप नेम टू प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फ्रिक्शन नेम टू प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फ्रिक्शन नेक्स्ट लिखो वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक

Do take care of yourself. Study hard. Work properly. Whatever be the questions which are given to you, solve them on your notebooks. Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.